मंदिर जाने का रास्ता ये वाला। तो फिलहाल मंदिर वहाँ पे है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और फिलहाल अभी हूँ मैं गोरखनाथ मंदिर के अंदर और काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहीं से हमारे बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर गए थे। और जो गोरखपुर का नाम है वो गोरखनाथ मंदिर के नाम पे ही पड़ा है गोरखपुर। और गोरखनाथ मंदिर दो है, एक नेपाल में भी है और एक गोरखपुर में भी है। तो फिलहाल अभी मैं गोरखपुर में था तो अपनी फैमिली के साथ आया हूँ घूमने। और ये रहा गोरखनाथ मंदिर जो है गोरक्षनाथ, उसका कैंपस है और यहाँ के जो साधु है और उनको महंत बोलते हैं। फिलहाल चलते हैं और स्लीपर खोलते हैं। मैं स्लीपर पहन के यहाँ हूँ क्योंकि यहाँ पे बार बार शूज़ खोलने में प्रॉब्लम होती है। और फिलहाल अभी हम लोग मंदिर के अंदर चल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और ये थोड़ा सा काशी विश्वनाथ की तरह लग रहा है जो बनारस में BHU के अंदर है कैंपस में। और मोबाइल अलाउड है लेकिन शाम के वक्त, आरती के वक्त मोबाइल अलाउड नहीं था। कल शाम में भी मैं आया था, रात में तो और खूबसूरत लगता ही है। और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं कैंपस के अंदर ही, काफ़ी सुकून है यहाँ पर। चीज़ दिखाता हूँ मैं, इसी में आकर योगी बाबा हमारे रहते हैं। तभी नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं ज़्यादा। तो और इस बिल्डिंग में जितने भी यहाँ के महंत हुए हैं उन सभी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। और कुछ कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी भी है, मीराबाई जी, संत रविदास जी, कबीरदास जी, सबकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि बस गुरु लोगों का, चैतन्य महाप्रभु जी, दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सबकी यहाँ पे स्टेचू लगी हुई है। महावीर, बुद्ध, सूरदास, तुलसीदास। अगर आप गोरखपुर आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर रहना, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये एक जो गोरक्षनाथ महंत थे जो योगी राज उनको बोलते हैं, शिव अवतार भी बोलते हैं, ये गोरक्षनाथ। इन्हीं के नाम पे गोरखपुर पड़ा और मंदिर की स्थापना उन्हीं के तपोभूमि पे हुई है। और ये कितना प्यारा मंदिर है, और अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं। और ये लाइट कैमरे की वजह से फ्लक्चुएट कर रहा होगा कैमरे में, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं आपको, अब सही हो रहा है। तो अंदर चलते हैं, ये नया बना हुआ है और सामने हमारा राम दरबार। ये काफ़ी प्यारा मंदिर है। मम्मी और दीदी दर्शन कर रहे हैं लोग दशावतार का। और ये है नवग्रह, काफ़ी प्यारा लग रहा है, वाइट कलर का है, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। मम्मी दीदी पूजा कर रहा है लो। तो फिलहाल अभी गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में हूँ। और इसकी स्थापना गोरक्षनाथ की
तपोभूमि को याद करने के लिए की गई है। और इसमें गोरक्षनाथ का मंदिर है और ये लोग नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं। गला बज रहा है मेरा। और काफ़ी प्यारा मंदिर बना हुआ है, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो, पीछे देख रहे हो, ये हवन कुंड है इसके अंदर और यहीं पे हवन होती है। और ये कैंपस 52 एकड़ में फैला हुआ है और जो हमारे यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, यहीं के महंत हैं, 2014 में यहाँ के महंत बने थे वो, और फ़िलहाल शायद वहीं हैं अभी। और एक और बात बता दूँ कि जो नाथ संप्रदाय है उसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, तो और ये शिव के उपासक होते हैं ये लोग। वैसे इस मंदिर में सभी भगवान के आपको मूर्ति देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी प्यारे प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जितने भी यहाँ के महंत हुए हैं, जो भी प्रसिद्ध महंत थे, उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अभी फ़िलहाल योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं है, वो लखनऊ रहते हैं और आते हैं तो वो इस बिल्डिंग में रहते हैं। फिलहाल चल रहा हूँ मैं उधर, तालाब है, काफ़ी प्यारा तालाब है, उसमें मछलियाँ काफ़ी हैं, तो उधर चलते हैं देखते हैं। अब बोटिंग हो रही होगी तो मम्मी अगर करेगी तो कर लिया जाएगा, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं। रात को आया था मैं तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, आप अभी देख सकते हो, काफ़ी प्यारा लग रहा था और भीड़ बिल्कुल नहीं थी। कल रात को 7-8 बजे करीब में मैं आया था और अभी लाइट जलना शुरू हो गया है और मंदिर का फ्रंट व्यू देख सकते हैं, ये मेन मंदिर है। और ये रहा तालाब, बोटिंग हो रही है लेकिन फाउंटेन चल नहीं रहा है, कुछ देर बैठते हैं यहाँ पे। ये जो मंदिर है ये भीम का मंदिर है और भीम यहाँ लेटे हुए हैं, काफ़ी प्यारी मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है, बोटिंग के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं और वो जो फाउंटेन है वो अभी चल नहीं रहा है, रात में, कल तो नहीं चल रहा था। गोरखनाथ मंदिर के बाहर का व्यू है, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये भी। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर देना, ना आए तभी बताना।